क्या आपने कभी स्वयं को विश्व के विशाल पहाड़ों के सपने देखते पाया है? वे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियाँ जो आसमान को स्पर्श करती प्रतीत होती हैं, देखने में बहुत अधिक हैं। ये पृथ्वी की अद्भुतता, प्रकृति की अपार शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक हैं। हिमालय से काराकोरम तक ये राजसी विशालकाय हमेशा मानव कल्पना को आकर्षित करते हैं, विस्मय और सम्मान की भावना जगाते हैं। अगर आपने हमारे ग्रह के अद्भुत चमत्कारों पर सोचा है तो आपको खुशी की अनुभूति होगी। कमर कस लें, क्योंकि हम इस दुनिया के 10 ऊंचे और विशाल पहाड़ों की यात्रा पर जा रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें। पहाड़ को बड़ा क्या बनाता है? इसकी ऊंचाई, आधार क्षेत्रफल या वहाँ की बकरियाँ? आइए इस पर गहराई से विचार करें। पर्वतों की विशालता उनकी ऊंचाई और प्रमुखता से मापी जाती है। पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से शिखर तक मापी जाती है और उसकी प्रमुखता आसपास के क्षेत्र के संदर्भ में शिखर की सापेक्ष ऊंचाई है। जैसे एक पर्वत समुद्र तल से उच्च नहीं हो सकता, पर अगर वह आसपास की तुलना में ऊंचा है तो इसकी प्रमुखता बढ़ती है। यह मानो आप कक्ष में सबसे लंबे व्यक्ति हों, भले ही विश्व में सबसे लंबे नहीं। इसके साथ ही भौगोलिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण होती है। ज्यादातर ऊंचे पहाड़ भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की सीमा पर हैं, मुख्य रूप से चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कुछ बकरियों की संख्या के विषय में पूछना चाहते हैं, पर यह पर्वतारोहण की बातचीत में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता, इसलिए यह बकरियों के बारे में नहीं है। लेकिन क्या यह एक दिलचस्प सूची नहीं होगी? 10वें नंबर पर उलटी गिनती शुरू करते हुए हमारे पास अन्नपूर्णा है, एक ऐसा नाम जिसका अनुवाद फसलों की देवी के रूप में होता है। नेपाल में हिमालय के मध्य में स्थित यह राजसी विशालकाय 26 जीरो टी से अधिक ऊंचा है। अब वह 5 मील से अधिक ऊंचा है। अन्नपूर्णा सिर्फ एक सुंदर नाम नहीं है, यह जीविका, पोषण और जीवन का प्रतीक है। पर्वत का नाम संस्कृत के शब्द अन्ना, जिसका अर्थ है भोजन, और पर्णा, जिसका अर्थ है पूर्ण, संपूर्ण, से मिला है। एक पहाड़ के लिए बिल्कुल उपयुक्त जो नदियों को और बदले में नीचे के खेतों को पानी देता है। तो आप पूछें कि अन्नपूर्णा को क्या खास बनाता है? खैर, बात सिर्फ इसकी ऊंचाई की नहीं है। अन्नपूर्णा को मृत्यु दर के साथ चढ़ने के लिए सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक माना जाता है। इसमें उन साहसी आत्माओं का उपहास उड़ाने की कोई बात नहीं है जो इसकी ऊंचाइयों को छूने का साहस करते हैं और उन्हें खतरनाक हिमस्खलन और अप्रत्याशित मौसम का सामना करना पड़ता है। यहाँ दिलचस्प खबर है। सोचिए आप बड़े आइसक्रीम संडे का ऑर्डर करें और वो आपके पसंदीदा पहाड़ के नाम पर हो। जब एक फ्रांसीसी पेस्ट्री शेफ ने अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करके एक मिठाई का नाम उस पर रखा तो मीठी जीत की बात हुई। तो जब आप भोजन का मजा लें, अन्नपूर्णा का धन्यवाद करना या केवल नीचे से दृश्य का आनंद लेना न भूलें। अगले पर नंगा पर्वत है, जिसे किलर माउंटेन कहा जाता है। पाकिस्तान के हिमालय में यह 26 जीरो टी से ऊंचा पृथ्वी का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है। बर्फ से ढके इस विशाल पर्वत की न केवल ऊंचाई बल्कि इसकी खतरनाक प्रतिष्ठा के लिए भी पहचान है। देखिए, नंगा पर्वत का उपनाम किलर माउंटेन बिना कारण नहीं है। यह जटिल चढ़ाई के लिए विख्यात है और कई पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बना है। इसकी खूबसूरती का एक डरावना पहलू भी है, पर सुरक्षित दूरी से इसकी भव्यता की प्रशंसा करें। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि प्रकृति सुंदर होने के साथ साथ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी है। इसलिए यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इसे इस पर छोड़ दें। आइए अब अपनी सूची के बीच में एक त्वरित भ्रमण करें, जहां हवा पतली हो जाती है और दृश्य और भी अधिक लुभावने हो जाते हैं। जैसे ही हम 8 घंटे के सबसे बड़े पर्वत मनासलू से आगे बढ़ते हैं, कमर कस लें, नेपाल में सुंदर बैठे हैं। मनासलू 8,163 मीटर ऊंचा है। जरा उसके ऊपर खड़े होने की कल्पना करें। आपको उस दृश्य को कैद करने के लिए एक काफी लंबी सेल्फी स्टिक की आवश्यकता होगी। इसके बाद हमारे पास दलागिरी, एक और नेपाली दिग्गज है। 8,177 मीटर की ऊंचाई पर दलागिरी मनासलू से थोड़ा लंबा है, लेकिन अरे गिनती कौन कर रहा है ना? खैर, हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास 6 घंटे ऊंचा पर्वत छो ओयू है। अब नाम को आपको मूर्ख मत बनने दीजिए। नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित यह पर्वत 8,201 मीटर ऊंचा विशाल है। यदि आप छो ओयू पर चढ़ने की योजना बना रहे हैं या उसका नाम 3 गुना तेजी से बोलने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त ऑक्सीजन पैक करने की आवश्यकता हो सकती है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, मध्य पैक में हमारे पास मकालू है। 8,485 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मकालू दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि आप पहले से ही हांफ रहे हैं तो आप बाकी सूची के लिए बैठना चाह सकते हैं।
गंभीरता से कहें तो ये पहाड़ न केवल ऊंचे हैं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी हैं। ये स्थान अनोखे इकोसिस्टम, विविध वन्य जीव और खूबसूरत दृश्यों के लिए उत्तम है। ये प्रकृति की अपार शक्ति और सौंदर्य के सजीव साक्ष्य हैं। हमें दिखाते हैं कि हम कितने छोटे हैं। ऊंचाई से डरे नहीं, हम शिखर के पास हैं। कंचनजंगा, इसे जल्दी से 3 बार कहो, अवश्य देखें। 8,858 मीटर की चौंका देने वाली ऊंचाई तक ऊंचा कंचनजंगा को हिमालय का मुकुट रत्न माना जाता है। यह नेपाल और भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के बीच की सीमा पर फैला हुआ है, जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है, जो साहसी लोगों और स्थानीय लोगों को समान रूप से आश्चर्यचकित कर देता है। अब चीजों को मसालेदार बनाने के लिए कुछ सामान्य ज्ञान की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि कंचनजंगा का मतलब बर्फ के 5 खजाने होता है? इसके 5 शिखर हैं। हर एक एक अनमोल खजाने को दर्शाता है। सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र ग्रंथ, सच में एक खजाना। अब हाथी की बात करते हैं, या शायद पर्वत श्रृंखला कहें। वह जटिल नाम, बेशक यह चुनौतीपूर्ण है, पर एक सलाह है, इसे कंचनजंगा समझें, इंगा के साथ जैसे चिड़ियाघर में। उच्चारण में मुश्किल, कोई बात नहीं, प्रभाव वैसा ही बना रहता है। इस पर्वतीय मैराथन में हमारा रजत पदक विजेता कोई और नहीं बल्कि K2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि K2 और K1 क्यों नहीं। खैर, K और K2 का मतलब काराकोरम है, वह पर्वत श्रृंखला जहाँ यह स्थित है, और नंबर 2 प्रारंभिक सर्वेक्षण में इसकी स्थिति को दर्शाता है। लेकिन आइए विवरणों में न उलझें। ये टाइटन 8,611 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, जो शक्तिशाली एवरेस्ट के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर स्थित K2 पर्वत अपनी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई और उच्चतम मृत्यु दर के कारण प्रसिद्ध है। इसको अक्सर वन्य पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए वातावरण को थोड़ा और अधिक हल्का करते हैं। K2 की आसानी और सादगी इसकी एक मुख्य विशेषता है, जो केवल 2 अक्षरों में संक्षिप्त है। आखिरकार इस प्रकार क्षण आ गया है जिसका आप सभी दुर्गम नामों से बचना चाहते हैं। ड्रम रोल बजाइए। तो K2 माउंट एवरेस्ट के लिए एक आदर्श, यह पर्वतों का एक विशाल है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह धरती की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित एवरेस्ट मानव धैर्य और साहस का प्रतीक है। आइए इस सेलिब्रिटी पर कुछ रोचक तथ्य साझा करें। क्या आप जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेटों की गति से एवरेस्ट हर 4 साल में थोड़ा बढ़ता है? विकास में तेजी आने की बात करें, और यहाँ एक मजेदार तथ्य है, एवरेस्ट की ओर सिर्फ पर्वतारोही ही आकर्षित नहीं होते। ये छोटी दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली मकड़ियों का भी घर है। कल्पना कीजिए कि आपके 8 पैर हैं और फिर भी आप पहाड़ पर रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन एवरेस्ट सिर्फ ग्लैमर और गौरव नहीं है, इसका स्याह पक्ष भी है। ठंडे तापमान के साथ, जो 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है, और हवाएं 200 किमी घंटा से अधिक की गति से चल सकती हैं, यह एक ऐसी जगह है जो सम्मान और सावधानी का आदेश देती है। फिर भी जोखिमों के बावजूद एवरेस्ट विश्व भर के पर्वतारोहियों को लुभाता है। हर कोई इसकी चोटी पर विजयी होने और कुछ क्षण के लिए दुनिया के शिखर पर होने की उम्मीद करता है। यह हमारी सीमाएं लांघने और नई ऊंचाइयों को छूने की अदम्य इच्छा का प्रतीक है। यह है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा। लेकिन याद रखें, यह संघर्ष का आकार नहीं है, यह पर्वतारोहण की चुनौती का एक उदाहरण है। तो ये रहे दुनिया के 10 सबसे बड़े पर्वत। हमने अद्भुत अन्नपूर्णा से लेकर विस्मयकारी एवरेस्ट तक की यात्रा की है। प्रत्येक शिखर अपने अनूठे आश्चर्य और चुनौतियों को धारण करता है। हमें यह समझ में आया है कि सबसे ऊंचे पहाड़ों की परिभाषा में उनका आकार अकेला महत्वपूर्ण नहीं, यह उनकी प्रमुखता के बारे में है। उनके आधार से शिखर तक की ऊंचाई और जिस परिदृश्य पर वे हावी हैं, उसमें उनकी भव्यता है। शायद आप इन दिग्गजों को जीतने का सपना देख रहे हों, या अपनी स्क्रीन से उनकी सराहना कर खुश हों। मुझे उम्मीद है आपने इस साहसिक यात्रा का लुत्फ उठाया होगा। अब आप अपने लोकल पहाड़ को नई दृष्टि से देख सकते हैं, एक व्यक्तिगत एवरेस्ट की आशा में। ऐसे और वीडियो के लिए नॉलेज विथ धवल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक उन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करते रहें।